बहिष्कार है। ए कार्य बहिष्कार हो रहा है, तो कार्य बहिष्कार 2 घंटे 8 से लेके 10 बजे के बीच में रखा गया है। तो सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे नर्सिस स्टाफ है, फार्मसिस्ट स्टाफ है, एलटी स्टाफ है, संविदा कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर सभी लोग हैं। तो सभी की मांग है पूरी की जाए। तो ये देखिए आज सब लोग दिए हुए हैं धरना यहाँ पे। आगे तो सुन लो, अब कर्मचारी एकता, संविदा कर्मचारियों को, हाँ संविदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था। विपक्ष समझ रहा है, हम लोग विपक्ष नहीं है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम लोग सरकार के साथ है, चाहे कोई भी सरकार रहेगी उसी के साथ हम लोग रहेंगे। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, एक तो स्थानांतरण नीति बंद की जाए, दूसरा हम लोगों का डीए, आप तो जान रहे हो डीए क्यों बंद कर रखा है। सरकार ने कहा था कि हम जुलाई से देंगे, 1.5 साल के लिए बंद कर दिया। उधर कहते हो जीएसटी में हमारी खूब वसूली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्यों डीए रोका जा रहा है। फिर यहाँ से हमारे जो प्रांत के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कहा कि हम 3 किस्तों में डीए देंगे। जुलाई बीता जा रहा है, कोई अभी घोषणा नहीं की गई है, ना सेंट्रल में की है ना स्टेट में की है। तो दूसरे नंबर पर हमारा ये विरोध है, पहला स्थानांतरण, दूसरा डीए, तीसरा हमारा ठेकेदारी और संविदा पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ अभी कभी किसी को निकाल दिया, बेचारा रोता हुआ चला आ रहा है। तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो कि क्या करना चाहिए। हम सोच रहे हैं ठेकेदारी व्यवस्था बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, और जो लोग लगे हुए हैं हमारे अतुल मिश्रा जी और रावत जी प्रांत स्तर पर लगे, जो लगे हुए हैं उनको विभाग ही ले ले। भाई जरूरत क्या है, कोई दूसरा आदमी पैसे लेगा और फिर पैसे तुम लोगों देगा, जब विभाग को जरूरत है वार्ड बॉय, स्वीपर, चौकीदार या स्टाफ नर्स या डॉक्टर, जिसकी भी जरूरत है तो हमारा विभाग लेगा ना, विभाग को रखना चाहिए। पता चला ठेकेदार को पसंद नहीं आया, उनने निकाल के बाहर कर दिया, अधिकारियों बाबू ने बिल मिला के उसका बेचारे का ऐसी तैसी कर दी। जरा सी गलती करी, खुद गलती करेंगे, बड़ी बड़ी कुछ नहीं, उन लोगों ने गलती कर दी, निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो ठेकेदारी व्यवस्था को हमें समाप्त कराना है, और जो ठेकेदार वाले हो गए उन्हें एनएचएम में कराना है, और एनएचएम वाले जो काफी समय हो गए उनको रेगुलर कर्मचारी बनवाना है। ये हम लोगों की मांग है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसलिए मैं कहता जाऊं, बदली है जमाने की हवा, तुम भी बदल जाओ, गुजरा हुआ वक्त आ सकता साथियों, अभी भी समझ जाओ। बहुत बढ़िया। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। और एक और बात कहना चाहूंगा, लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिलाकर चलो, मंजिलें तुम्हारी पग चूमेंगी, आज नहीं तो कल। जय हिंद जय भारत। अब मैं संघर्ष समिति के जो चेयरमैन है राम नरेश पटेल, तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ, जरा 2 शब्द वो भी बोल ले, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, 10 बजे तक का टाइम हम लोगों का। सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों, आज हमारा दूसरा दिन, कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। सरकार की नीति रीति के विरोध में हम लोग खड़े हैं। सरकार की तानाशाही रवैया, तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसका डटकर मुकाबला करेंगे, और जो हमारी मांगे हैं हम उसे मनवा कर रहे हैं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, यह आप लोगों ने भली प्रकार सुना होगा, देख भी लिया होगा। अभी जब हम लोग COVID-19 की महामारी से जूझ रहे थे, तो उस समय यही निकम्मी सरकार ने ये घोषणा की कि हम 25% और 10% प्रोत्साहन राशि देंगे 3 महीने तक। 3 महीने के बजाय 4 महीने बीत गए, ये सरकार उस वादे पे अपने अमल नहीं कर पाई। सरकार हम लोगों के विरोध में, हम लोगों का प्रताड़ित करना, सब कुछ उनको जायज है।
जायज क्यों है? क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। सरकार किसने बनाई? हमने बनाई। स्वास्थ्य विभाग जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। डॉक्टर साहब दो शब्द बोलिए आप स्थानांतरण नीति के बारे में। मेरा इंट्रोडक्शन देगा सरकार से अनुरोध है कोविड के कार्य में जिस हिसाब से हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए योगदान दिया है, सहयोग किया है और अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है, मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि ये स्थानांतरण नीति जो अभी बनाई है उसे बंद कर दें। हाँ, और जो स्वेच्छा से चाहते हैं उनका स्थानांतरण करें, मेरा बस यही कहना है। और सर डीए नहीं चाहिए? हाँ, ये है तो ये तो भाई सरकार ने ये कहा था डीए जुलाई में दे देंगे। जुलाई में देने के लिए सरकार केंद्र सरकार ने कहा है तो उसे निश्चित रूप से देना चाहिए। बिल्कुल, वो हमारा अधिकार बनता है। 25% प्रोत्साहन राशि के लिए उन्होंने दिया, वो लिमिटेड लोगों को दिया गया है। वो सभी लोगों ने कार्य किया है, सभी ने कार्य किया तो सभी को कर्मचारी एकता। जो भाई तुम लोग जिंदाबाद नहीं करोगे जोर से लगाओ, कर्मचारी एकता महासंघ एकता, हमारी मांगे डीए हमारा, डीए बहाल कराओ भाई, डीए हमारा करो। अगर आप लोग डीए नहीं बहाल कराओगे ना तो सरकार इतने पे ही फिक्स कर देगी। हाँ, तो और आगे कोई पैसा नहीं देगी आप लोगों को। तो डीए बहाल करने के लिए लड़ना है, हम ही लोग लड़ेंगे तभी काम होगा। डीए हमारा, डीए हमारा, डीए हमारा, आओ जरा एक साथ सब लोग आओ, जा झंडा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर बैनर ऊपर उठाओ भाई, ओ बहन जी बैनर, बैनर मांग हमारी पूरी हो, ऊपर उठाओ, ऊपर मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 वेतन नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, राशन नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, राशन नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, राशन नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, कर दो ट्रांसफर, कोई बात नहीं, एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, डीए हमारा बहाल करो, डीए हमारा बहाल करो, डीए हमारा बहाल करो, डीए हमारा बहाल करो, डीए हमारा ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रांसफर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, तुम्हें नहीं डीए चाहिए? डीए नहीं चाहिए किसी को? आओ भैया, डीए नहीं चाहिए क्या? आओ बाहर आओ, अब वो सब ले लिया, आ गया।